नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल JOBPPT को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार का पहला पूर्ण एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जल्द होगा शुरू। पुश्तैनी जमीन के बंटवारे के लिए जल्द ही लागू होंगे नए नियम। गन्ना की उपज बढ़ाने के लिए सरकार कर रही है विशेष व्यवस्था। इसी सत्र से पॉलिटेक्निक संस्थानों में होगी हिंदी में पढ़ाई। के स्टार तेज गेंदबाज श्रीशंत ने क्रिकेट को कहा अलविदा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार का पहला पूर्ण एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जल्द होगा शुरू। बिहार में सड़कों का जाल बिछाने का काम जोर शोर से हो रहा है। नीतीश सरकार के इस योजना से बिहार के किसी भी जिले से राजधानी पटना की दूरी महज 5 घंटे हो जाएगी और लोगों को कहीं भी आने जाने में ज्यादा मुश्किल नहीं उठानी पड़ेगी। इसी कड़ी में बिहार के पहले पूर्ण एक्सप्रेसवे बनाने को लेकर काम शुरू हो गया है। ये एक्सप्रेसवे को आमस दरभंगा के बीच बनाया जाएगा। आपको बताते चले कि अभी तक जितने भी एक्सप्रेसवे की बात की गई है वो सभी कोई ना कोई दूसरे राज्य से होकर गुजर रहे हैं। ऐसे में ये एक्सप्रेसवे सिर्फ बिहार के जिलों को जोड़ने का काम करेगा। अगले 2 महीने के अंदर इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, साथ ही 2024 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पुश्तैनी जमीन के बंटवारे के लिए जल्द ही लागू होंगे नए नियम। बिहार में भाइयों के बीच पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर के ज्यादा विवाद ना हो, इसको लेकर भी सरकार जोर शोर से प्रयास कर रही है और इसके लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत रॉय ने कहा है कि इससे जुड़े नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, साथ ही इसे अगले वित्त वर्ष तक इसे लागू कर दिया जाएगा। भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि इसके मुताबिक अगर एक परिवार के 4 भाई में 3 भाई तैयार हैं और 1 भाई विरोध कर रहा है तो स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधियों की सहमति से बंटवारे का प्रावधान होगा। नए नियम में खुदा बंटवारे के तहत दाखिल खारिज हो सकता है। बंटवारे की प्रक्रिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा होगी। अगर कोई भाई बाहर रह रहा है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हें भी इसमें जोड़ा जाएगा और उनकी राय ली जाएगी। कंप्यूटर की पढ़ाई हो अनिवार्य, इसके लिए सरकार के खिलाफ छुड़ेगी मुहिम। कोरोना के आने के बाद जिस तेज गति से लोगों की जिंदगी डिजिटल हुई है उसको देखते हुए अगर भविष्य देखा जाए तो हर क्षेत्र डिजिटलीकरण की तरफ जा रहा है। ऐसे में सरकार भी मॉडर्न शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रही है, लेकिन आज भी सरकारी विद्यालयों में बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा नहीं दी जाती है, जहां निजी विद्यालयों में कंप्यूटर की शिक्षा शुरुआती क्लास से ही शुरू हो जाती है। एक सर्वे के अनुसार क्लास 6 से ऊपर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स में कंप्यूटर की जानकारी निजी स्कूलों की अपेक्षा सरकारी स्कूलों में कम है। सरकारी स्कूलों में कम से कम क्लास 6 से ऊपर के क्लास में कंप्यूटर की पढ़ाई अनिवार्य हो, इसको लेकर बींग हेल्पर संस्थान राज्य के सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से इसके लिए सरकार के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ने जा रही है। गन्ना की उपज बढ़ाने के लिए सरकार कर रही है विशेष व्यवस्था। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और अन्य क्षेत्रों के साथ साथ कृषि पर भी बिहार सरकार खूब ध्यान दे रही है। इसके लिए कृषि से जुड़ी शिक्षा और संसाधन को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग ने भी अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार ने दावा किया है कि गन्ना फसल के लिए बिहार के किसानों को प्रोत्साहित करने का काम बिहार सरकार जोर शोर से कर रही है। वहीं अब गन्ने से बिहार में इथेनॉल भी बनना है। गन्ना उद्योग मंत्री ने कहा है कि इसके लिए हम गन्ना की फसल लगाने के लिए विशेष अभियान चलाएंगे और किसानों से बात कर उन्हें इसकी खेती करने के लिए बढ़ावा देंगे। पटना हाईकोर्ट ने सभी जिला के बीईओ को इस अवधि में कार्यरत होने का दिया आदेश। सीतामढ़ी स्थित अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील सीतामढ़ी के बीईओ के विरुद्ध दायर की गई याचिका में एक अपील की गई है, जिसके तहत ही कहा गया है कि उन्हें पंचायत शिक्षक के पद पर काम करने से रोका जा रहा है। ये याचिका 2011 में ही दायर की गई थी। इतने सालों के बाद इस लंबित मुकदमे पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने सभी जिला अपीलीय प्राधिकार को 4 सप्ताह में कार्यरत रहने का आदेश दिया है। अब खुद बच्चों के पास चलकर आएगी एक्सरे मशीन। बिहार सरकार जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की कोशिश में लगी हुई है, अगर इसे सुचारू ढंग से चलाया जाए तो वो दिन दूर नहीं जब इलाज की कमी की वजह से बढ़ रही मृत्यु दर में गिरावट आने लगेगी। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने नवजात बच्चों के लिए भी बहुत कुछ सोचा है, जिसका असर अब अस्पतालों में भी दिखने लगा है। बिहार सरकार अब अस्पतालों के साथ साथ मेडिकल कॉलेज में भी पोर्टेबल एक्सरे मशीन की व्यवस्था करने जा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये इस प्रकार का एक्सरे है जिससे आपको इमरजेंसी के लिए पैथोलॉजी लेकर नहीं भागना पड़ेगा, ये अपने पास खुद चल कर आएगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। जल संसाधन विभाग का 4,310 करोड़ से अधिक का बजट हुआ पास। जल संसाधन विभाग PHED और लघु जल संसाधन विभाग के बजट पर बिहार विधानसभा में चर्चा हुई, जिसके बाद जल संसाधन विभाग का 4,310 करोड़ से अधिक का बजट पास हो चुका है। साथ ही सदन में बताया गया है कि गया में फल्गु नदी पर बन रहे रबर डैम इसी साल चालू हो जाएंगे। गंगा उद्धव योजना में भी केवल 9 किलोमीटर पाइप बिछाना बाकी है। राजगीर बोधगया तक गंगा जल ले जाया जाएगा। सत्ता पक्ष के मंत्री के जवाब का विपक्षी सदस्यों ने बहिष्कार किया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में जल संसाधन विभाग का 4,310 करोड़ से अधिक का बजट पास
हुआ है। बिहार में निवेश बढ़ाने के लिए आईबीपीएस के महासचिव से मिले मनीष सिन्हा। बिहार भाजपा के को कन्वीनर और आईटी कंपनी के मालिक मनीष सिन्हा लगातार बिहार के विकास और रोजगार के लिए 2010 से ही प्रयासरत है। इसी संदर्भ में मनीष सिन्हा ने दुबई में इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल के महासचिव दिलीप सिन्हा से मुलाकात की। दिलीप सिन्हा से मुलाकात कर मनीष सिन्हा ने बिहार में निवेश पर चर्चा की है। साथ ही बिहार दुबई बिजनेस समिट 2022 का आयोजन जल्द ही दुबई में होने की उम्मीद जताई है। उसके लिए बिहार के बड़े नेता और व्यापारी जो कि दुबई में कार्यरत हैं, उनसे मुलाकात की बात कही गई है। आपको बताते चले कि मनीष सिन्हा देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के परिवार के तीसरे पीढ़ी के सदस्य हैं और बिहार के विकास के लिए 2010 से काम कर रहे हैं। अगले 5 दिनों में तापमान में होगी बढ़ोतरी और बढ़ेगी गर्मी। राज्यभर में अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई है। कमोबेश सभी जिलों में तापमान लगभग 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। मौजूदा समय में राज्यभर का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस है। वहीं पछुआ हवा का प्रवाह निरंतर जारी है। सूबे में 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवाएं चल रही है। इसकी वजह से मौसम शुष्क बना हुआ है। आसमान साफ है और गर्मी की संभावना बढ़ रही है। गया में बीते दिन न्यूनतम तापमान सभी जिलों की अपेक्षा सबसे कम देखा गया। वहीं सबसे अधिक फारबिसगंज 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की पूरी संभावना भी अब जताई जा रही है। इसी सत्र से पॉलिटेक्निक संस्थानों में होगी हिंदी में पढ़ाई। बिहार पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में इसी सत्र से हिंदी भाषा की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। मालूम हो कि 2020 से 25 सात निश्चय पार्ट 2 के तहत यह निर्णय लिया गया है। अब तकनीक शिक्षा को हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा। अंग्रेजी के साथ साथ पॉलिटेक्निक संस्थानों में हिंदी में भी पढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा भी पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए हिंदी भाषा में मौलिक पुस्तकों को लिखने के लिए प्रोत्साहन के रूप में 1,00,000 रूपये दिया गया है। एक साथ जोड़े जाएंगे सभी सरकारी और गैर सरकारी पैथ लैब। राज्य के सरकारी और गैर सरकारी पैथोलॉजी लैब को एक प्लेटफॉर्म से जोड़ने का काम स्वास्थ्य विभाग कर रही है। स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य है कि सभी पैथ लैब की रिपोर्ट एक जगह रहे। इसके लिए सभी सरकारी और गैर सरकारी पैथ लैब को जोड़ा जाएगा ताकि इस बात की भी जानकारी रहे कि राज्य में कौन सी बीमारी लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। ऐसी एक और व्यवस्था की जा रही है जिसमें एक प्लेटफॉर्म पर दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में सैंपल भेजा जाए ताकि समय पर रिपोर्ट मिल सके। अगर ऐसा हुआ तो वाकई इस व्यवस्था के लागू हो जाने से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी बदलाव आ जाएगा। श्रवण कुमार और तेजस्वी यादव में हुई भिड़ंत। बिहार विधानसभा का बजट सत्र जारी है। इस दौरान बुधवार को सदन में शामिल तेजस्वी यादव और श्रवण कुमार में भिड़ंत देखने को मिली, जिसके बाद तेजस्वी यादव सदन छोड़कर ही बाहर निकल गए। दरअसल जदयू कोटे के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का मनरेगा को लेकर तेजस्वी यादव से विवाद हो गया था। श्रवण कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव ने सदन को गुमराह किया है। बुधवार को मनरेगा को लेकर तेजस्वी यादव ने हमें गलत जानकारी देने को कहा था। इस पर तेजस्वी यादव ने आपत्ति जताई और कहा कि हमें पता है कि आप कहां से ऐसी क्लास लेकर आए हैं, आपको कहां से पढ़कर भेजा गया है। इस पर श्रवण कुमार आग बबूला हो गए और दोनों में खूब विवाद हुआ। इसके बाद बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि श्रवण कुमार जब तक माफी नहीं मांगेंगे वो सदन में वापस नहीं आएंगे। भाई वीरेंद्र ने ईवीएम मैनेजमेंट पर लगाया ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप। इस बीच राजद विधायक भाई वीरेंद्र का कहना है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया है। भाई वीरेंद्र की माने तो पंजाब में भाजपा कहीं नहीं थी, लेकिन अन्य राज्यों में जो रुझान आ रहे हैं वो ईवीएम का मैनेजमेंट किया हुआ है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि मुझे लगता है कि ये मैनेजमेंट का चुनाव है। ईवीएम से जब तक चुनाव होगा विपक्ष कहीं आगे नहीं रह पाएगा। अपवाद को छोड़कर मोदी जी का मैनेजमेंट का चुनाव है। वोट से भाजपा चुनाव नहीं जीत रही है, मैनेजमेंट से जीत रही है। कहीं ना कहीं छेड़छाड़ ईवीएम में हुई है और इसलिए वो सरकार बना रहे हैं। सहारा इंडिया के लीगल हेड को कोर्ट में 28 मार्च को मौजूद होने का दिया गया आदेश। बिहार सहित देश भर के निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया के पास फंसा हुआ है। ऐसे में सहारा इंडिया के खिलाफ अदालतों में मुकदमों की लाइनें लगी हुई हैं। इस दौरान पटना हाईकोर्ट ने सेबी के लीगल हेड को 28 मार्च को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश भी दिया है। सहारा इंडिया के खिलाफ विभिन्न स्कीमों में निवेशकों की जमा राशि के भुगतान को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल खंडपीठ ने यह फैसला लिया। मालूम हो कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार समेत एसबीआई, सेबी, आर्थिक अपराध इकाई और कंपनी रजिस्ट्रार को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था। इस मामले पर अगली 28 मार्च को होगी। टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाजों में से एक शांता कुमारन श्रीशांत, जिन्हें हम सभी एस श्रीशांत के रूप में जानते हैं, बीते दिन उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। श्रीशांत ने सोशल मीडिया पर काफी भावुक होकर अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया। 2 बार वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे श्रीशांत अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं। श्रीशांत के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मैच फिक्सिंग मामले में वो फंस गए और उनको आईपीएल 2013 स्पॉट फिक्सिंग मामले में दोषी पाया गया और उन पर आजीवन बैन लग गया। श्रीशांत लंबे समय तक कोर्ट के चक्कर लगाते रहे लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन 13 सितंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने उन पर लगे बैन को हटा दिया, लेकिन अब श्रीशांत ने ही खुद ही सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है दिव्यांशु कुमारी, सर्वनेश्वर कुमार, बबलू कुमार, निभा कुमारी, वैभव सिंह, सुषमा सिंह, दयाशंकर, प्रिंस कुमार, नुन्नू कुमार, रघुनाथ प्रसाद। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, छात्रों के लिए सरकारी विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।